हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम व्रत में खाई जाने वाली एक नई रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। हम व्रत में बर्फ़ी बना रहे हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने शाम के का एक कटोरी आटा लिया, ये 100 ग्राम आटा है, 100 ग्राम ही चीनी, 3-4 चम्मच देसी घी के, 1 गिलास दूध, थोड़ा सा नारियल, ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू बादाम लिए। अब हम बर्फ़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे, इसमें घी डाल देंगे। अब घी गर्म होने देते हैं। हमारा घी गर्म हो गया है, अब हम आटे को इसमें डाल देंगे। अब लगातार चलाते हुए हम 5 से 6 मिनट इसको भून लेंगे, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। गैस को हमें लो फ्लेम पे कर देना है ताकि जले नहीं, और लगातार चलाते हुए हम इसको भून लेंगे। जैसे जैसे सिकता जाएगा वैसे वैसे घी छोड़ता जाएगा। हम इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हम इसको लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। जैसे जैसे भून रहे हैं वैसे वैसे ये लूज होता जा रहा है, इसका घी छोड़ता जा रहा है। हमने आटे को 5 से 6 मिनट भून लिया है और ये लूज भी हो गया है, इसमें घी छोड़ दिया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है, हल्का ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे। मैं 1 गिलास दूध ली हूँ, मैंने हल्का गर्म दूध लिया है। अब ठंडा दूध नहीं डाले, थोड़ा गर्म ही दूध डाले इसमें ताकि लम्स नहीं रहे। थोड़ा थोड़ा डालकर हम मिक्स कर लेंगे। आप दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट बनता है इसका। अब अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। हमारे आटे ने दूध सोख लिया है, ये टाइट हो गया है। अगर आपको इसमें थोड़ी जरूरत लगे तो आप थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं इसमें। अब हम चीनी डाल देंगे। चीनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नारियल भी डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट और भून लेंगे हम, जब तक हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। ये बर्फी खाने में बहुत अच्छी लगती है और बनाने में तो बहुत ईजी है, आप इसके जरूर बना कर देखें। हमारा बर्फी जमाने का मिक्सचर टाइट हो गया है, इसने घी भी छोड़ दिया है। अब चाहे तो हम थोड़ा सा घी और ऊपर से डाल सकते हैं इस पर। अगर आपको कम घी पसंद है तो आप घी नहीं डालें इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, आप इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब हमारा मिक्सचर जमाने के लिए तैयार है, आप गैस बंद कर देंगे। हमने बर्फी के मिक्सचर को एक प्लेट में जमा दिया, आप कोई भी प्लेट में जमा सकते हैं इसको। अब थोड़ा ठंडे होने के लिए रख देंगे हम इसको ताकि थोड़ा जम जाए। हमारी बर्फी जमकर तैयार हो गई है, अब हम इसको कट कर लेंगे। आप जिस शेप में कट करना चाहते हैं वैसे ही कट कर लें। ये बर्फी बहुत ही कम समय में बन जाती है और खाने में तो बहुत अच्छी लगती है। हमने बर्फी को कट कर लिया है, अब हम प्लेट में निकाल देंगे। हमारे व्रत में खाई जाने वाली बर्फी तैयार है, आप इस रेसिपी से ज़रूर बना कर देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी।